दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी आप ज़मीन खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके लिए एग्रीमेंट बनता है। आप देखते होंगे कि कुछ बयाना करते हैं, कुछ एडवांस करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है कि फलाने डेट से लेकर फलाने डेट के बीच इसको पैसा देना है, उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी या फिर वो ज़मीन आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह का एग्रीमेंट बनता है, आप उसको कुछ पैसे देते हैं बयाना के रूप में और एग्रीमेंट बन जाता है, सारी बातें उसमें लिखा हुआ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीमेंट आपने बना लिया, सारी बातें उसमें मेंशन कर भी दिया, लेकिन एग्रीमेंट से पहले ही, मतलब ज़मीन आपको देने से पहले ही कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, उस व्यक्ति को कहता है कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, मैं आपको इससे ज़्यादा पैसा दूंगा। मतलब कि अगर आप 5 लाख रुपये में खरीद रहे हैं तो अगले व्यक्ति उसे 6 लाख का लालच देता है, या फिर 10 लाख में बेच रहे हैं अगले व्यक्ति 12 लाख का लालच देता है। तो ऐसे में ईमान डोल जाता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं या फिर आपसे एग्रीमेंट करके किसी और को ज़मीन बेच देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके पैसा लौटा दें। आपको इसमें परेशानी होती है, आपको इसमें नुकसान भी बहुत होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, उस ज़मीन को कैसे रोकेंगे कि आपकी को मिले, वो किसी और को ना बेच पाए, ये सारी जानकारी दूंगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आपके मन में जो भी सवाल प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। कोई भी व्यक्ति आपसे एग्रीमेंट कर लिया और वो आपको ज़मीन अब नहीं देना चाहता है, या फिर पैसे के लालच में, ज़्यादा पैसे के लालच में किसी और से बेचना चाहता है, या फिर किसी ने भड़का दिया फिर वो चाह रहा है कि ज़मीन ना बेचे, बाद में ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो बेचेंगे, लेकिन एग्रीमेंट आपने कर रखा है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जाना है सिविल कोर्ट, CPC के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत आपको सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति पर मुकदमा करना है जिसका प्रॉपर्टी है, जिसने आपसे एग्रीमेंट बना रखा है उस पर आपको मुकदमा करना है। उसके बाद होगा क्या कि कोर्ट उसे नोटिस करेगा, उसके बाद उसको हाजिर होने के लिए बोला जाएगा। जब वो हाजिर होगा कोर्ट में तो आप भी रहेंगे, आपको भी बुलाया जाएगा उस डेट पे। वहाँ पे आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको एक इंजेक्शन पटिशन भी डाल देना है उस केस में। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर ज़मीन नहीं देता है उससे सारा कारण पूछा जाएगा, कोर्ट द्वारा सारा कारण पूछा जाएगा कि किस लिए वो अब ज़मीन आपको नहीं देना चाहता है, अगर ज़मीन नहीं देना चाहता है तो एग्रीमेंट क्यों बनाया, पैसा आपसे क्यों लिया, तो सारा कारण उससे पूछा जाएगा, फिर वो अपना कारण बताएगा। आपको भी ये सारी बात बतानी पड़ेगी कि आप वो ज़मीन लेना चाहते हैं, आपने एग्रीमेंट किया और आपने पैसा कहाँ से लाया, आपको ये बताना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे बड़ा ग्राउंड आपको ये देना पड़ेगा कि मैंने जो पैसा लिया है वो किसी से ब्याज पर लेकर इनको दिया है, या फिर किसी रिश्तेदार से लेकर दिया है, या फिर मैंने किसी से कर्ज लेकर दिया है। अगर ऐसा कुछ ठोस कारण आप उसको बताते हैं, कोर्ट को बताते हैं, तो कोर्ट फिर आपके पक्ष में फैसला देगा और इंजेक्शन पटिशन के आधार पर पहले तो उस ज़मीन पर स्टे लगा देगा। पहले डेट में ही इंजेक्शन पटिशन के आधार पर आपको उस ज़मीन पर स्टे लगा दिया जाएगा। इसलिए लगा दिया जाएगा ताकि वो ज़मीन किसी को ना बेच सके, जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा, जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति किसी को ज़मीन नहीं बेच सकता है, वो ज़मीन पर स्टे लगा दिया जाएगा। और इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि 99% चांसेस होता है कि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा और आपका पैसा जो है आपका डबल रिकवरी कराया जाएगा। यहाँ तक कि आपका जो भी इतने दिनों में नुकसान हुआ सबके साथ में आपका पैसा डबल रिकवरी कराया जाएगा। लेकिन आप कारण रखेंगे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो ज़मीन ही चाहिए, मैंने ज़मीन पे पैसा दिया है, प्रॉपर्टी पे पैसा दिया है, तो हो सकता है कोर्ट आपको ज़मीन और प्रॉपर्टी भी उसको देने के लिए प्रेशर करे और ऑर्डर कर दे। अगर इस सिविल कोर्ट से जजमेंट आ जाता है आपके पक्ष में कि इनका पैसा डबल करके लौटाया जाए, इनका हर्जाना लौटाया जाए, फिर आप ज़मीन कहीं बेच सकते हैं। अगर आपके पक्ष में ना भी आता है या फिर आ भी जाता है, ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके पक्ष में ही आता है, तो आपको ठीक है, लेकिन आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं पैसा नहीं लेना चाहता, मैं पैसे नहीं लूँगा, मैंने ज़मीन पे पैसा दिया है और किसी और से ये ज़्यादा पैसे के लालच में बेचना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आप साबित करेंगे तो आप हाई कोर्ट चले जाएँ। फिर यहाँ से जजमेंट जो आता है, फैसला आता है, उसके आधार पर फिर हाई कोर्ट चले जाएँ, हाई कोर्ट में अपील करें। वहाँ पे आपको चांसेस रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है कि वहाँ से आपको ज़मीन के लिए ही ऑर्डर मिले, उसको ज़मीन आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ इससे भी ज़्यादा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको जितना खर्च हुआ, जितना परेशानी हुआ, सबका पैसा वहाँ से आपको दिलाया जाएगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति को ज़मीन भी लिखना पड़े और पैसा भी देना पड़े, हर्जाना भी देना पड़े, क्योंकि आपको ज़मीन तो देना ही है एग्रीमेंट के तहत, लेकिन वो व्यक्ति इतना परेशान किया
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई एग्रीमेंट करके आपको ज़मीन ना दे तो क्या करें, इसके बारे में अगर विशेष और जानकारी चाहिए जो मैं नहीं बता पाया हो इसमें, या फिर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका जवाब तो मैं आपको दूंगा ही। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो बनाए विस्तार से तो उसके लिए भी लिखें, किसी भी टॉपिक पर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाकर दूँ आपको या फिर इस चैनल पर डालूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द ही वीडियो बना के डालूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।